नमस्ते, मैं धनवीर, आप सभी का इन खूबसूरत पहाड़ों में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सुबह की बज चुके हैं 6 और धूप निकल आ चुकी है और आज मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, जहाँ पे कि मेरी है मैगी पॉइंट और मेरी छोटी सा एक दुकान है ऋषिकेश लक्ष्मण झूले में। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिन से घर पे था तो लगातार 1 दिन में 2-2 वीडियो डाल रहा था। मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि मैं ऋषिकेश में ही रहता हूँ। जब मैं गाँव में रहता हूँ तो काफ़ी सारी वीडियो मैं बनाता हूँ, बट अब आज फिर मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि हमारे रास्तों की हो। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे रास्ते और इन्हीं रास्तों से होते हुए जाना है मुझे ऋषिकेश मार्केट। झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये फूल वाली झाड़ियाँ, इनका जो नाम है, ये पेड़ है करकरा। करकरा ये जब पिछले 10 साल पहले ये जहरीला घास होता था, बट अब ये गाय बच्चों को नहीं लगता। पहले बहुत लगता था, बहुत गाय बच्ची इससे इसको खा के मरी हैं, बट अब ये बहुत ही अच्छी घास है। इसको बता दें कि सन 2014 में जो फ्लड आया था पहाड़ों में, केदारनाथ में भी आया था, उसमें उसी समय ये जो मैं चल रहा हूँ, ये जगह हमारी खेत थे। ये पूरा बह चुका है और हमारे खेत उस किनारे तक थे, ये पूरे बह चुके हैं और अब हो रखी हैं सिर्फ घास। तो फ्रेंड्स, से मैं अपना घर देखूं तो मेरे घर है इस साइड में, ये वाइट वाइट वाला आगे आम का पेड़ है, ये सामने मेरा घर है और एक ऊपर मेरे ताऊजी का घर है और ये घर यहाँ पे है और एक घर इस साइड में है और ये घर ये है और ये घर ये है। यही हमारा छोटा सा ये गांव है और ये सामने का व्यू आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा। आप ये भी देख पा रहे होंगे, यही खेत और आगे तक थे, आगे तक पूरा, बट यहाँ पे फ्लड आने से बहुत ज़्यादा पानी आया था, बाढ़ आई थी, पूरा कट चुका है, बट ये वाला खेत बचा हुआ है। ये भी हमारे ताऊजी लोगों का खेत है और आपको दिखा दें कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ था। देखिए ये गड्ढा इसी फ्लड से हुआ था और इस मकान की जो ये कंडीशन है ये इसी फ्लड से हुआ था। जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ से ये पूरा मकान आप देख पा रहे होंगे, ये इसके आगे एक कमरा और था और वहाँ तक था, मगर जो ये नदी थी ये उस किनारे में थी, बट जब बहुत तेज़ पानी आया था इस नदी में तो ये पूरा मकान बह गया था और मेरे ताऊजी लोग अब यहाँ से छोड़ के ऊपर अपने गांव में ही चले गए, जो उनका पुराना घर था उन्होंने नया घर बनाया था यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये जो दीवार रखी गई है, यहीं तक इनका घर था ये वाला। और मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि जो इनका घर था वो यहाँ तक था, ये वाला घर यहाँ तक था, यहाँ तक था, ये पूरा बह चुका है आप देख पा रहे होंगे। और इनके घर के लिए जो लाइट थी वो यहाँ से थी, ये बिजली का खंभा है आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बिजली का खंभा था और यहाँ पे थी इनका घर, बहुत बड़ा घर था, ये पूरा बह चुका है। तो पहाड़ों में ऐसी बाढ़ आती रहती हैं, ऐसे नुकसान होते रहते हैं, बट अब फिलहाल इधर भी खेत था पर अब यही वाला खेत बचा हुआ है, तो ये नुकसान होता रहता है। न जाने कब यहाँ पे ऐसा पानी का रुख आ जाए जो कि पूरा खेत बह लेते हैं। और आपको दिखाता हूँ मैं सामने वाला, जहाँ पे एक नई दीवार रखी गई है सामने, वो साइड में हमारा खेत था और आप देख पा रहे हो उधर भी पानी गया, पूरा खेत तोड़ दिया। अभी नई दीवार लगाई है हमने, इस खेत को बनने में कई साल लगेंगे, वो भी जब इस पर मेहनत होगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये है जी हमारा गांव और ये भी हमारा सेरा, यानी कि सेरा मीन्स होता है हमारे खेत खलियान है ये। तो बहुत बोलते हैं ना गाँव में बहुत सारे घर होते हैं, बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे घर पे एक ताऊ जी का एक घर है, फिर 200 मीटर पे दूसरा घर है, फिर 400 मीटर पे दूसरा घर है, फिर 300 मीटर पे दूसरा घर है, फिर 400 मीटर पे दूसरा घर है। हमारे यहाँ सब 300-400 मीटर पे ही घर यहाँ पे घर हैं, वो भी 8-10 घर होंगे मुश्किल से, मैक्सिमम 8-10 घर हैं। और यानी कि सब लोग अलग अलग रहते हैं, शांति है, पीसफुल है, फुल इन्जॉय है गाँव में। बट यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आती है पैसे कमाने की, वो बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हमें मार्केट में जाना पड़ता है ताकि हम वहाँ से पैसे
ला सके, नहीं तो पैसे का कमाने का यहाँ पे कोई भी साधन नहीं है। फिलहाल मैं बता दूँ आपको कि ये है हमारी यहाँ की नहर जिसमें पानी आता था और फिर इन खेतों में लगता था। बट कई सालों से ये नहरें बंजर पड़ी हुई हैं, डर के मारे अब यहाँ पे रहते नहीं हैं। मैं बता दूँ आपको कि जब ये घर टूट रहा था तो इसके अंदर गाय बच्ची भी थी, तो कई गायें बह गई थी, कई बकरियाँ बह गई थी। और रात को करीब 11-12 एक बजे के आसपास ये तूफान और ये बादल फटा था ऊपर बड़ा। और ये जी हमारे यहाँ की नदी, और अभी अभी ये नई नहर बनी है क्योंकि ये टूट चुकी थी, नई नहर बनी है, इसी से खेतों की सिंचाई होगी। फिलहाल मैं बता दूँ आपको कि ये हमारी यहाँ की छोटी दीवार है, और जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, इसको तैर नहीं पाते हैं। और जी यही है हमारे यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर नदी है, एकदम क्लीन नदी है, पानी इतना साफ़ है ना, एकदम क्लीन। तो ये है जी हमारी यहाँ की रिवर, और ये हैं रास्ते। और मुझे चलना है 3 किलोमीटर अभी पैदल। तो यदि आप हमारी मोटरसाइकिल या स्कूटी रोड पे ही रहती हैं जंगल में, और कोई भी सामान हो, मोटरसाइकिल में तो बहुत दिक्कत होती है, हेलमेट लेके आना पड़ता है। 3 किलोमीटर उसको लाना, 3 किलोमीटर ले जाना, ये ड्यूटी है पक्का यदि हम घर आ रहे हैं तो। तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ का बेल का पेड़ है, छोटी छोटी बेल आते हैं पहाड़ों में, शुरू हो चुका है। इसी नहर पे मुझे 1 किलोमीटर चलना है, उसके बाद फिर 500 मीटर नीचे जाना है, उसके बाद तब आ जाती है हमारी यहाँ की सड़क। तो फ्रेंड्स यही है हमारी पहाड़ों की लाइफ। फिलहाल मैं यहाँ के जंगल दिखा दूँ आपके को, आजकल नहर में काम चला होगा तो नहर में भी पानी साफ हो चुका है, नहर साफ हो चुकी और पानी जा रहा है। आप पहाड़ों में पैदल जा रहे हों और आपके पास ब्लूटूथ हो, गाना चल रहा हो, तो सचमुच बहुत ही इंजॉय। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां पे हमारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो ये है हमारा बोलते हैं स्टेशन गाड़ियों का, यहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं। और ये है जी मेरी गाड़ी, और ये उन लोग काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ गाँव की, तो यहीं पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और भगवान की दया से यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। तभी तो हमारा उत्तराखंड आज तक इतना अच्छा है कि यहाँ पे चोरी बदमाशी डकैती बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही सिंपल लोग, प्लेन लोग होते हैं। और आप देख सकते हैं ये है लोकेशन जी। तो फ्रेंड्स मैं तो चलता हूँ ऋषिकेश की ओर,